वेलकम टू माय लैब। आज हम देखेंगे कि हम किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन, उसकी शेप, जो उसकी शेप स्पेस में बन रही है, वो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आयरन फिलिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इस पेपर के ऊपर ये आयरन के छोटे छोटे पीसीज हैं, और इसको अगर हम नीचे से यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि ये जो मैग्नेट है, ठीक है, इसके ऊपर कोई नॉर्थ और साउथ पोल नहीं लिखे हुए। नॉर्थ और साउथ पोल सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए खुद से उसको डेजिग्नेट करते हैं। इसमें आप इसको नॉर्थ पोल कह सकते हैं, इसको साउथ पोल कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल लाजमी होते हैं, और इन दोनों पोल्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नॉर्थ का पोल को अलग कर दो और साउथ पोल को अलग कर दो। तो चलें देखते हैं कि इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस शेप में है। तो नोट करें कि ये एक बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह का इसका मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में स्प्रेड हुआ है, और इसको अगर हम ड्रा करना चाहें, यहाँ पे हमारा ये मैग्नेट है, इसकी नीब भी आयरन की है, और उसके साथ ही आयरन फिलिंग्स जुड़ना शुरू हो गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये एक पोल से, अगर हम इस पोल को नॉर्थ कह देते हैं और इस पोल को अगर हम साउथ कह देते हैं, तो ये एक पोल से, ठीक है, दूसरे पोल की तरफ आ रही है टर्न होके। अब हम देखते हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड्स के पोल्स को अलग अलग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास दो बार मैग्नेट्स हैं, अब ये दोनों मैग्नेट्स जब जुड़े हुए थे तो ये बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे ये एक ही मैग्नेट हो, ठीक है, यानी ये एक जुड़ा हुआ मैग्नेट हो, बड़े वाला। तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, लेट्स सपोज हम इसको ये अलग हमने कर दिया, तो अगर तो ये दोनों, इसके मिसाल के तौर पे अगर तो ये पूरे का पूरा नॉर्थ पोल है और ये पूरे का पूरा साउथ पोल है, तो जब हम इसको आयरन फिलिंग्स के नीचे रखेंगे तो क्या होना चाहिए, एक पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो दूसरे पोल की तरफ जाती हैं, तो ये जो आयरन फिलिंग्स हैं ये कैसे ओरिएंट होनी चाहिए, इनमें कोई रोटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होकर दोबारा अपने ऊपर ही आ रहा है, बल्कि इनको ऐसे एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट की तरफ स्ट्रेट ओरिएंट होना चाहिए। वैसे तो दोनों मैग्नेट्स के दरमियान भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, इसलिए तो इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वापस घूम के अपनी तरफ भी आती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या, अगर तो ये साउथ पोल है पूरा और ये नॉर्थ पोल है, तो क्या होना चाहिए, ये मैग्नेटिक फीलिंग्स
सॉरी आयरन फिलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर ऐसे एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट की तरफ ओरिएंट होनी चाहिए, उनमें कोई रोटेशन नहीं होनी चाहिए। तो आप नोट डाउन करें। तो नोट करें कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो ना सिर्फ दो मैग्नेट्स के दरमियान ऐसे स्ट्रेट उनकी ओरिएंटेशन सेट हुई है, उसके साथ साथ ये दोनों मैग्नेट्स के गिर्द ये रोटेशनल फील्ड भी बन रहा है। जिस तरह से पहले एक सिंगल बार मैग्नेट का फील्ड बना था, अभी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ये दोनों बार मैग्नेट्स का अलग अलग से भी बन गया। लेकिन होना क्या चाहिए था, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये बिल्कुल नॉर्थ पोल होता, ये बिल्कुल साउथ पोल होता, तो इनके दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए थी, और जो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो भी ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए आउटवर्ड। बट ये रोटेट होके दोबारा अपने ऊपर ही आ रही है, इसी तरह यहाँ से भी रोटेशन होके इस तरफ भी आ रही है और अपने ऊपर भी दोबारा आ रही है। आयरन फिलिंग्स आप देख सकते हैं, दिस मीन्स वी कैन नॉट सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ पोल फ्रॉम ए मैगनेट। मैगनेट के आप कभी भी पोल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम इस मैगनेट को हाफ कर दें, उसका मजीद हाफ कर दें, उसका मजीद हाफ कर दें, जितना मर्जी छोटा कर दें, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा रहेगा। तो ये था आज का हमारा एक छोटी सी डेमोंस्ट्रेशन। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।